व्लॉग में। तो वैसे आप सब लोग बहुत अच्छे भाई हो, आप सभी बहुत अच्छे हो और आप मेरे चैनल देख ही रहे होगे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि बर्फ पड़ गई है। देखिए, चुप रह लियो, ये देखिए मैं अभी जा रही हूँ अपनी गाय को घास देने, क्योंकि आज मैं 9 बजे सोकर उठी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो अभी तक बिस्तर में थी। अभी बज गए हैं 10 और मैं गाय को घास देने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं गाय के पास, बहुत गर्म है यहाँ पर। गाय को घास दे दिया है और इसको देखिए, सुबह सुबह इसकी शैतानी, पता नहीं ठंड में ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और ये मेरे को चबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने इतने सारे कपड़े पहने, इसके पास पॉसिबल नहीं है इसका मेरे को चबाना। चलो लियो, चलो, हाथों में ठंड लग गई है, लियो। अभी हम अंदर चलते हैं, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। लाइट भी चली गई है और यहाँ मम्मी ने कुछ खाने का प्रबंध भी करके रखा है। क्या बोला है? हाँ जी, लाइट भाग गई इसलिए हमारे को आज बाहर रसोई में। हाथ तो ऐसे हो गए हैं ठंड से लाल, मेरे को तो नहीं लगी ठंड में। मैं लियो पर घुमाने ले गई थी सुबह सुबह ही 6 बजे। आज हम मर जाएंगे क्योंकि हम नहीं मरेंगे, हम आज ऊपर आग वाली रसोई में जाएंगे, आग जला के बैठेंगे। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जी बैठे है, भूख 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 के हमारे पापा को गुस्सा आ रहा है। चलिए अब खाना खाते है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। किए गए पापा को बिल्कुल ही भूख लग रही है, ये रोटी पे ही सब्जी निकाल रहे है अभी, ये थोड़ा भी इंतजार नहीं कर रहे ये मम्मी। आज हमारी लाइट नहीं आने वाली है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही है। अभी हम फटाफट खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आज क्या करेंगे हम। बाय बाय। कुछ आ जाओ पापा, ये पान। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं अभी खाना एक ही प्लेट में, क्योंकि ठंड में बर्तन धोने में भी हमारे को थोड़ा आज अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए कितनी ठंड लग रही है भाई। भाई गुड मॉर्निंग, आज बर्फ पड़ गई दबा के। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि ठंड में चाय पीने का बहुत मन करता है। तो अभी चाय बनाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। दूध लेकर आई थी रूम से, चाय बनाते हैं। ये चाय पत्ती अच्छे से डाल दीजिए, ये चीनी, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी भी दूध जैसा है बिल्कुल, देखिए जैसा दूध है सेम। तो पानी डालते हैं बस, और पानी इतना ठंडा है क्या ही बोलूँ। आज मैंने पहनी है अपनी चुटकी ट्रेडिशनल ड्रेस और अंदर से मैंने वही जिपर पहन के रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये देखिए, मैं बाद में दिखाऊँगी आपको। हम ले जाएंगे चाय ट्रे में। वैसे भी हमारी गाय दूध नहीं देती है आजकल, तो हमने दूध लगाया है। तो ये है चाय और ट्रे में भी अदरक है। चलिए चलते हैं चाय लेकर। आजकल तो चाय किचन से रूम पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है, इसलिए ये लियो। देखिए यहाँ पे बिट्टू आप पी नहीं है, दिस इज चाय। लग गई, बंद करो उसी तरह। ये देखिए इनको क्या खेल रहे हैं, ये हम खेल रहे हैं लूडो। ये चाय पी के मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ठंड में ऐसी मसालेदार चाय मिल जाए तो क्या मजा आए। रुचि के हाथों की चाय। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी और आग भी नहीं है नीचे, तो हम अपनी न्यू वाले किचन में आए हैं आग जलाने, ताकि हमें ठंड ना लगे। ये देखिए आप नजारा, आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आ रहा है। और लियो
देखिए कैसे बर्फ खा रहे थे इसे। लियो ओ लियो, ये मुझे ऐसे खींचता है ना यहाँ से बर्फ में भी। चलो 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 लियो, बड़ा मजा आता बर्फ में खेलने में, बड़ा मजा। ये पाएगा वाह, ये देखिए इसको ऐसे बर्फ खा रहा है जैसे। तो हम लोग पहले पहले आग जलाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा बर्फ में इंजॉय करेंगे, फोटोज वगैरह लेंगे, फिर हमें ठंड लगेगी इसलिए हम पहले आग जला के रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। खेल बाबू, नहीं तो नीचे ले जाऊंगी घर, घर जाना है। नीचे आ चल, हमारी आग जल चुकी है, ठंड भी बहुत लग रही है। थोड़ी आग सेकते हैं, लियो ने मेरे हाथे से ठंडे कर दिए तो अपने पीछे, फिर चलते हैं बाहर। काइल वाले हाथ, अभी हम लोग कुछ खाने का मन कर रहा था तो हम लोग सोच रहे कि जलेबी बनाते हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम चाशनी बनाने को। और यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, चाशनी चीनी डाल देती हूँ मैं, थोड़ी सी डाल दी मैंने। ये है मेरा बैटर, इसको मैंने अच्छे से घोल दिया है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए जलेबी बनाने के लिए। हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर बनाएंगे। दीदी बना रही है जलेबी, मुझे तो डर ही लग रहा है, लाल होने देनी पड़ती है। हाँ गाइस, हमें एक्सपीरियंस नहीं है जलेबी बनाने का। हाँ मैं क्या करूँगी गाइस, हमारी जलेबी बन रही है, ये हमारी चाशनी, पानी डाली चाशनी में, यार बना रहे हैं जलेबी और हमसे बिल्कुल भी जलेबी जैसी नहीं बन रही है, ये कुछ और ही बन रहा है। और ये देखिए हमारा देसी जुगाड़, नहीं कैसे बनाते जलेबी ये, देखिए कौन सी शेप की जलेबी बन रही है। कोई बात नहीं, हमें तो खाने से मतलब है, शेप चाहे जो भी हो, सिर्फ स्वाद होना चाहिए। हमने दो तो ऐसे ही खा ली, इसमें वो डाल दे यार इलायची। तो गाइस मेरी जलेबी देखिए ऐसे बनकर तैयार हुई है, मम्मी पापा को टेस्ट करवाते और पूछते कैसी बनी है। गाइस मम्मी पापा को टेस्ट कराते हैं ऐसे बनी है। चलो चलो अंदर अंदर, पापा मम्मी खाओ जरा कैसी बनी है जलेबी। जलेबी पान लेते हुए मुँह थोड़ा चिपचिपा हो गया शुरू में, बाकी सब ठीक है। ये है हमारी देसी घी की जलेबी, हम दोनों ही मियाँ बीवी जलेबी का आनंद लेते हैं। काफी टाइम बाद अपने यहाँ जलेबी। मेरे फैमिली वालों ने मेरी सारी जलेबी खा ली है, मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने नहीं खाई। और इस बार जो है बर्फ़ इतनी कम पड़ रही है कि हम लोग इंजॉय भी नहीं कर पा रहे, वरना हम इतना सा इतना इंजॉय करते हैं बर्फ़ में, पर इस बार स्नोफॉल ही नहीं हो रहा है। अभी भी जितनी स्नोफॉल हुई थी वो धीरे धीरे पिघल रही है, और अभी धूप लग गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बाहर धूप लग गई है। ये देखिए
सारा पिघल गया है, देखिए धूप आ गई।